हरे कृष्णा। आने वाला है कृष्ण भक्तों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन यानी राधा अष्टमी, वो दिन जब श्री कृष्ण की शक्ति उनकी प्रिय राधा रानी का अवतार इस धरती पर हुआ था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे करें राधा अष्टमी का व्रत, कब होगा राधा अष्टमी व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त, राधा अष्टमी के दिन कैसे करें राधा रानी की पूजा, और इस दिन क्या काम आपको भूल से भी नहीं करने हैं, क्या गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है। 1000 एकादशी व्रतों को करने का फल एक राधाष्टमी व्रत करने से मिल जाता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी है। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त ये व्रत करते हैं उन साधकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर इच्छा भी पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण एवं जाप करता है वो धर्मार्थी बनता है। उसे महालक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है और मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मोक्ष मिलता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव से चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी, देव पत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी, मूल प्रकृति, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने कहा कि किसी एक बात की क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी श्री राधा के चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है, इसलिए इन्हें मदन मोहन मोहिनी भी कहा जाता है। इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हुए थे। उसी प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन द्वापर युग में श्री कृष्ण की शक्ति श्री राधा गोलोक वृंदावन धाम से धरती पर प्रकट हुई थी। क्योंकि श्री राधा ही श्री कृष्ण की शक्ति है और बिना श्री राधा के गोविंद पृथ्वी पर अपनी अवतार लीला नहीं कर सकते थे। साक्षात श्री कृष्ण ने ही श्री राधा से प्रार्थना की थी कि मेरा पृथ्वी पर अवतार लेने का समय आ गया है, अतः आप भी अवतार लीजिए। तब श्री राधा से पहले पूरा गोलोक वृंदावन एक अलग स्वरूप में धरती पर प्रकट हुआ था, क्योंकि जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ गोवर्धन नहीं, जहाँ यमुना नहीं, वहाँ राधा रानी अवतार नहीं लेती। धरती पर व्रज क्षेत्र वृंदावन बनने के बाद श्री राधा यहाँ राधा अष्टमी के दिन अवतार लेती है। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं और बाकी सारे साल श्री राधा के चरण ढककर रखे जाते हैं, क्योंकि ये संसार की सबसे अमूल्य वस्तु है और इन्हें देखने मात्र से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी व्रत पर पूजा के शुभ मुहूर्त। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को रात 11:46 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर 2024 को ही मनाया जाएगा और इसी दिन राधा अष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। इस बार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा के लिए आपको 2:29 का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वो दिन में 11:03 से दोपहर 1:32 तक राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। राधा अष्टमी की पूजा दोपहर भी करते हैं और दोपहर के समय में ही राधा रानी का पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अभिषेक किया जाता है। राधा अष्टमी पर ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:22 तक रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक रहेगा। वहीं राधा अष्टमी के दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इस साल राधा अष्टमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। राधा अष्टमी पर प्रीति योग सुबह से लेकर रात 11:55 तक बन रहा है। इसके बाद आयुष्मान योग बनेगा।
राधा अष्टमी की पूजा प्रीति योग में ही होगी। वहीं रवि योग का निर्माण रात में 9:22 पर होगा और अगले दिन 12 सितंबर को सुबह 6:05 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी की पूरी पूजा विधि। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रियाएं पूरी करके श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण, फूल व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन राधा कृपा कटाक्ष और राधा सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ना चाहिए। पूरे दिन व्रत करना चाहिए। आप राधा अष्टमी का व्रत बाकी आम व्रतों की तरह फल खाकर, जल पीकर कर सकते हैं, पर इस व्रत को निर्जला करने से सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला व्रत में राधा अष्टमी पर कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। राधा अष्टमी पर मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें। फिर श्री राधा को पंचामृत, फलों के रस आदि से स्नान कराएं। इसके बाद राधा रानी को नीले रंग के वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगारित करें। इस दिन राधा रानी को उनके प्रिय पकवानों जैसे दही अरबी, कड़ी, खीर आदि का भोग लगाएं। फिर राधा रानी की आरती करें और राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनें, जिसे सुनने या पढ़े बिना राधा अष्टमी का व्रत पूरा नहीं होता। राधा अष्टमी की पूरी कथा हमारे चैनल पर भी राधा अष्टमी के दिन डाली जाएगी, आप उसे अवश्य सुनें। पूरी श्रद्धा से राधा रानी के लिए व्रत करने का संकल्प लें और पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा कृष्ण नाम का जाप करें, क्योंकि राधा रानी को कृष्ण नाम ही प्रिय है और कृष्ण नाम से ही श्री राधा को प्रसन्नता मिलती है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी कोई उपहार अवश्य प्राप्त करती है, इसलिए उन्हें कोई उपहार अवश्य दें। राधा रानी को पायल बहुत प्रिय है, तो इस दिन राधा जी को पायल चढ़ाना अत्यंत शुभ होगा। साथ ही इस दिन श्री राधा को 16 श्रृंगार चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है। राधा अष्टमी के व्रत में कोशिश करें कि आप रात में भी जागरण करें और कम से कम सोएं। राधा अष्टमी का व्रत आप अगले दिन सूर्योदय के बाद खोल सकते हैं। राधा अष्टमी का व्रत खोलने के लिए पहले राधा रानी की पूजा सुबह उठकर करें और उन्हें घर पर सात्विक तरीके से बिना प्याज लहसुन के बनाए गए भोजन का भोग लगाएं। ये भोग कैसे भी हो सकते हैं, मीठे या नमकीन। इस भोग को ही प्रसाद के रूप में खाकर आप अपना व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी भयंकर गलतियां जो आपको राधा अष्टमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। राधा अष्टमी पर काले कपड़े पहनकर पूजा ना करें, क्योंकि शुभ अवसरों पर काले वस्त्र नहीं पहने जाते। इस दिन पीले या नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होगा। इस दिन व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस दिन अपने घर में खाने में प्याज लहसुन ना डालें और इस एक दिन पर सात्विक खाना खाएं, क्योंकि ये परम भगवान की सबसे प्रमुख शक्ति श्रीमती राधा रानी का पृथ्वी पर अवतार लेने का दिन है। राधा अष्टमी के दिन श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी देवी राधा रानी की प्रिय सखी और सहचरी हैं। और राधा अष्टमी के दिन तुलसी देवी का भी व्रत होता है, जो आपके तुलसी में पानी देने या पत्ते तोड़ने से टूट जाता है। इसलिए आपको राधा अष्टमी पर तुलसी में ना ही पानी देना है और ना ही आपको तुलसी देवी के पत्ते तोड़ने हैं। श्रीमती राधा रानी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए आप तुलसी पत्र केवल श्री कृष्ण को ही चढ़ाएंगे। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण को तुलसी चढ़ाने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर पानी में रख लें, जिनका प्रयोग आप राधा अष्टमी के दिन पूजा में कर सकते हैं। ऐसी और जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।